के पूर्व सीएम कमलनाथ के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि ये सम्मान समारोह मानस भवन में आयोजित किया गया था और कार्यक्रम में कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा कि जब मैंने 27% आरक्षण देने की बात कही तो मंत्रालय में अधिकारियों के विरोध अधिकारियों ने किया, और वहीं कृषि क्षेत्र में जब हमने किसानों का कर्ज माफ किया तो सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी वाले किसानों की थी। वहीं उन्होंने सम्मान पर बोला कि आप सभी संगठनों ने मेरा स्वागत किया। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ के सम्मान समारोह पर बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ खुद पैसा देकर सम्मान करवा रहे हैं। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में टांग अड़ाने का काम किया था, खुद के पैसे से माला खरीदना और खुद के गले में डलवाना, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। तो ओबीसी आरक्षण में टांग लाने का काम किया था, ये तमाम बातें यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग ने कही। उन्होंने कहा कि कमलनाथ खुद अपने पैसों से अपने लिए माला खरीद कर अपना सम्मान करवा रहे हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जिनका सम्मान किया गया सम्मान समारोह में। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण का उनका फैसला था जिस पर तब के अधिकारी सहमत नहीं थे, और इस बात को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि वो अपना सम्मान खुद कर रहे हैं, खुद ही पैसा देके अपना सम्मान करवा रहे हैं। अच्छा है यदि वो सम्मान होने वाले कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ठीक है, परंतु मुझे अच्छा लगेगा कि वो उस मंच से इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में टंगड़ी अड़ाने का काम यदि जो किया था अपनी सरकार में रहते हुए, उसके प्रति जरूर वो खेद व्यक्त करें। अच्छा रहेगा यदि कमलनाथ जी उस मंच से इस बारे में जरूर ओबीसी वर्ग से क्षमा मांग। इस तरह के छलावे करना, खुद के पैसे से माला खरीदवाना और अपने गले में डलवाना, इस तरह की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। खुद ही पैसा देके अपना सम्मान करवा रहे हैं। अच्छा है यदि वो सम्मान होने वाले कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ठीक है, परंतु मुझे अच्छा लगेगा कि वो उस मंच से इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में टंगड़ी अड़ाने का काम यदि जो किया था अपनी सरकार में रहते हुए, उसके प्रति जरूर वो खेद व्यक्त करें। अच्छा रहेगा यदि कमलनाथ जी उस मंच से इस बारे में जरूर ओबीसी वर्ग से क्षमा मांग। इस तरह के छलावे करना, खुद के पैसे से माला खरीदवाना और अपने गले में डलवाना, इस तरह की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। हम इसमें कानूनी राय ले रहे हैं। मैंने कहा मैं कोई कानून नहीं जानता, मैं कोई राय नहीं जानता, ये मेरा फैसला है। फैसले को पहले राय दी जाती है, पर मैंने तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।